पापा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ बेटा बस हो ही गया। पापा मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपको सुबह जल्दी उठ के मेरे टिफिन बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बेकार में सुबह सुबह इतना परेशान होते हो, मैं बाहर का खा लूंगी पापा। अरे बेटा बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वैसे भी तुम्हारे बाहर के खाने की आदत नहीं है। तुम्हारी माँ को गुजरे देखो अभी 1 ही साल हुआ है, वो तुम्हारे लिए हमेशा फ्रेश टिफिन बना के देती थी ना। पापा टोस्टर तो देखो। ओहो बेटा आपसे बात करने के चक्कर में ब्रेड भी जल गया। कोई बात नहीं बेटा, आज आप बाहर खा लेना, कल से प्रॉमिस मैं 30 मिनट पहले उठूंगा, ठीक है? पापा एक काम करो ना, आप ये जलावा ब्रेड दे दो, वैसे भी ना जलावा ब्रेड बहुत टेस्टी होता है, एकदम क्रंची सा रहता है, तो यही दे दो आप। सॉरी बेटा कल से मैं जल्दी उठ के आपके लिए सैंडविच अच्छा वाला बनाऊंगा। और हाँ बेटा जल्दी निकलो नहीं तो आपकी बस भी छूट जाएगी। और आप ध्यान से ऑफिस जाना, फोन मत यूज करना ड्राइव करते समय। बाय बेटा और अपना खाना अच्छे से खा लेना, ठीक है? हाँ आप भी बाय। चलो अपने यूजर स्पॉट बेंच पे बैठते हैं, वैसे भी इतना शोर करते हैं ना क्लास में, ढंग से खाने भी नहीं देते हैं। एकदम सही कहा श्वेता, इस बता क्या बोलते हैं कि हमारा क्लासरूम ना कोई फिश मार्केट से कम नहीं है, उल्टा फिश मार्केट में हमारे यहाँ से कम नॉइज होती है। सही कहा, चलो भाई जल्दी बैठते हैं वरना ब्रेक भी ओवर हो जाएगा। एकदम सही कहा, क्योंकि हमारा लंच ब्रेक कब शुरू होते खत्म होता पता ही नहीं चलता। जलावा सैंडविच को लेके आती है, तुझे जलावा खाना पसंद है क्या? नहीं यार वो पापा बनाते हैं। क्यों मम्मी नहीं बनाती? वो मम्मी 1 साल पहले गुजर गई ना, तो पापा ही बनाते हैं। सॉरी यार आयु, मुझे पता नहीं था। अरे तू क्यों सॉरी बोल रहा है, तेरी गलती थोड़ी है, 1 साल हो गया है मम्मी को गुजरे हुए, सो आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। बेचारे पापा हर रोज सुबह जल्दी उठ के टिफिन बनाते हैं मेरे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं बाहर का खाना खा के मेरी तबीयत खराब हो जाए, और मम्मी के हाथ के खाने की आदत सी भी हो गई है ना, इसलिए ये जला हुआ ब्रेड। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, क्रंची रहता है वैसे तो। अच्छा सुन ना, मैं ना आज मम्मी के हाथों के हाथ की भिंडी लेके आऊँ, ठीक है? तो एक काम करना, तू मेरी मम्मी के हाथों की भिंडी खा और मैं तेरे पापा के हाथ का जला हुआ सैंडविच खाता हूँ, मैं भी तो देखूं कि तेरे पापा कितना क्रिस्पी बनाते हैं, है ना? और वैसे तूने गौरव की जादू की झप्पी के बारे में सुना है? नहीं। ऐसे लोग बोलते हैं कि उसे लेते ही ना सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा। तो तू लेगी बंदरिया? बंदर तू होगा बंदर। अच्छा यार आज इतना होमवर्क मिला है, 3 से 4 मोटी मोटी प्रैक्टिस शीट, वो भी मैथ्स की, मैथ्स का नाम सुन के ही नींद आ रही है। हाँ यार वैसे एक आइडिया है, मैं क्या बोलता हूँ क्यों ना आज का होमवर्क हम दोनों साथ मिलके करे तो, और तू गौरव द ग्रेट की बात करेगी ना, तुझे ज़्यादा बोर भी नहीं होगा, और तुझे पता ही है कि मैं मैथ्स में कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, तेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और तुझे इसकी ज़रूरत भी है। ओ मैं इतनी बुरी नहीं हूँ मैथ्स में कि तेरी ज़रूरत पड़ेगी, वो तो देख लेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ आज शाम 5 बजे एट माई प्लेस, व्हाट्सएप। ओके बाय। चलो बाय। बुक्स तो लाई ना तू सारी? ऑब्वियसली। वैसे अंकल आंटी कहाँ है और मायशा? मायशा और मम्मी शॉपिंग, और पापा एज यूजुअल तुझे पता ही ऑफिस में। हाँ चल लेट्स स्टार्ट विद द वर्स्ट मैथ्स। हाँ हाँ चल। देख आयु मैंने ना ये कुछ सम्स हमारे लिए निकाल के रखे, ठीक है? तू भी स्टार्ट कर ले और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो विल हेल्प इच अदर। ओके चल। अनकंफर्टेबल सी लग रही है। वो पैर दर्द। तुझे क्या मतलब है? तुमने काम पे ध्यान देना। ओह नो। गुस्सा क्यों हो रही है मुझ पे? तुझसे पूछ ही तो रहा हूँ। ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो पेन किलर देता हूँ, है मेरे पास। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं। तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तू मैथ्स सम कर।
तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है आयु? सॉरी ब्रो यार, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग लाइक मायसेल्फ। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, आई एम फाइन। अच्छा सुन, मैच नहीं हो रहा है, रहने देते हैं, बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा मेरे पास बुक है नहीं, तू ही दिखा दे। हाँ ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू जा। आयु देख, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू मुझे कुछ भी बता सकती है यार, प्लीज बाहर आ जा। नहीं तू जा नहीं यहाँ से। आयु देख, मुझे पता है तेरे साथ क्या हो रहा है यार, प्लीज बाहर आ जा। तुझे कैसे पता है? मैंने तेरे पैंट पे जब स्टेन देखा, जैसे मैं समझ गया था कि तुझे तेरे फर्स्ट पीरियड्स आ गए। तू घबरा क्यों रही है, ये एकदम नॉर्मल है आयु। हर लड़की को हर महीने 3 से 7 दिन तक ये रहता है। ये देख, मैं तेरे लिए पैड्स भी ले आया हूँ और साथ में मायशा के कपड़े भी ले आऊँ। तो ये कपड़े पकड़, चेंज कर, और ये पैड कैसे यूज़ करना है इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। ओह थैंक यू गौरव, आज तो तूने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर दी। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? मायशा है ना, उसको पिछले ही महीने उसके फर्स्ट पीरियड्स आए थे, तो मम्मी ने हमें बैठ के सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया। और ये जो तेरा मुझ पर गुस्सा हो रहा है ना, ये तेरा ना मूड स्विंग्स है, इसके साथ तुझे क्रेविंग्स भी होगी, और जो तेरा पेट दर्द है क्रैम्स के कारण हो रहा है। इसलिए मुझे कब से पेट दर्द हो रहा था? देख एक काम करता हूँ, मैं तुझे ना मम्मी का नंबर देता हूँ, तो मम्मी को कॉल कर, तेरा जो कुछ भी सवाल है मम्मी को पूछ ले डायरेक्टली, वो तेरी एकदम अच्छी तरीके से हेल्प कर देगी। थैंक यू गौरव, तूने मेरी बहुत हेल्प कर दी, तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। एंड वैसे तूने सच कहा, तेरी जादू की जब्बी सच में सब ठीक कर देती है। पता था। और सुन यार, तू रोया मत कर, कुछ भी हो मुझसे शेयर कर, मुझे पता है तू वॉशरूम में रो रही थी। मैंने रो रही थी? और तेरी ना आवाज सुनी मैंने अंदर, तेरा बेस्ट फ्रेंड कोई गधा नहीं हो। किसने बोला दोनों नहीं हो? अंदर जा और चेंज कर, चल।